नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। आप देख रहे हैं तीन की बात और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्रामीणों से भरी नाव नदी में पलट गई। नदी में डूबकर दो बच्चियों की मौत का भी मामला सामने आ रहा है। सीएम ने मामले का संज्ञान लिया और पीड़ितों को सहायता राशि देने का ऐलान किया। एक का शव बरामद और एक की तलाश अभी जारी है। नाव पर 15 ग्रामीण सवार थे। 13 लोगों ने तैरकर नदी को पार कर दिया। तंबौर क्षेत्र के फूलपुर गोनिया का मामला है, जहां 15 लोगों में से दो बच्चियों के डूबने का मामला सामने आया है, जिसमें से एक बच्ची का शव जो है वो बरामद किया जा चुका है। वहीं दूसरी बच्ची की तलाश अभी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां एक नाव के पलटने से 15 लोगों की जान जो थी वो जोखिम में पड़ गई। 13 लोग किसी तरह नदी पार करके बाहर निकले और दो बच्चियों की मौत का मामला सामने आया है। शमी हमारे सहयोगी सीतापुर से लाइव जुड़ चुके हैं। शमी, ये नाव डूबने का जो मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला, जानना चाहेंगे आपसे। ये बिल्कुल हिना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है, ये तंबौर थाना क्षेत्र के फूलपुर गोनिया का एक पूरा मामला, गांव का, जहां के करीब 15 ग्रामीण जो है वो नदी के उस शारदा नदी के उस पार अपने खेतों को गए हुए थे। उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे, तभी जो है अनियंत्रित होकर नाव जो है अचानक गोनिया पुल के पास जो है पलट गई। करीब 13 लोग सवार थे, वो उन्होंने जो अपनी तैर कर जान बचाई, जिसमें जो जो दो बच्चियां थी उनकी वो बच्चियां जो है उसी नदी में जो है डूब गई। काफी जो है तलाश करने के बाद जो है एक बच्ची का शव बरामद किया जा चुका है, लेकिन अभी तक जो है दूसरी बच्ची का जो है शव नहीं मिला है। जैसे इस बात की जानकारी गांव वालों को ही, गांव वालों में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। मौके पर जो है पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन भी पहुंच गया है। गोताखोरों की मदद से जो बच्ची का, अभी तक दूसरी बच्ची का जो शव नहीं मिला है, उसकी तलाश जारी की जा रही है। जी शमी, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे, नाव पलटने के पीछे किसकी लापरवाही सामने आई है? क्या ओवरलोडिंग की जा रही थी नाव में? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि नाव जो है, बताया जैसा कि बताया जा रहा है कि नाव जो है छोटी थी और उसमें करीब 15 लोग सवार हो गए थे, जो कि जबरदस्ती सवार हो गए थे। और गोनिया पुल का जो घाट है, वहां पर जो है शारदा और घाघरा नदी की जो है मझधार थी, उस मझधार में जो है पूरी तरीके से जो है फंस गए थे। इसके बाद जो है नाव पलट गई, जिसके बाद दो बच्चियां जो है उसी में बह गई थी, जिसमें एक बरामद किया जाता है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।